जहां एक तरफ चाइना अब उत्तर कोरिया पर भड़का है, तो वहीं दूसरी तरफ तिब्बत का मामला उठते ही अब चाइना को भारत की याद आ गई है, भारत के कल्चर की बात करने लगा है चाइना। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, तिब्बत आखिर ऐसा कौन सा एक्शन लेने वाला है जो टेंशन में डाल रहा है चाइना को। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अभी से कुछ महीने पहले ना, करीब 31 मई के महीने में एक मीटिंग हुई थी, और ये मीटिंग हुई थी साउथ कोरिया, जापान और चाइना का। और ये मीटिंग देखकर एक बार सभी को आश्चर्य लगा था, क्योंकि दो दुश्मन एक दूसरे के साथ मुलाकात कर रहे थे। और इसमें जहाँ तक बात है, चाइना के प्रीमियर शामिल हुए थे, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, और जापान के पीएम शामिल हुए थे, साउथ कोरिया की तरफ से भी उनके राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए थे। और तब इन्होंने कहा था कि चलो हम एक ऐसा पैक्ट बनाते हैं जिसमें हम एक दूसरे को साथ देंगे, एक दूसरे की समस्याओं का हम निदान करेंगे। और इस ट्राइलेटरल समिट को ट्राइलेटरल प्लस वन का नाम दिया गया था, और माना गया था कि शांति स्थापित करने के लिए ये एक बहुत बड़ा कदम हो सकता है। पर इसका सीधा उल्टा असर पड़ा था नॉर्थ कोरिया के ऊपर, और नॉर्थ कोरिया बुरी तरीके से नाराज हो गया था। नॉर्थ कोरिया ने चाइना के ऊपर विरोध भी जताया था कि आपने ये मीटिंग क्यों की, आपको ये मीटिंग नहीं करना चाहिए था। पर मामला क्या करता नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ कोरिया चुपचाप यहाँ पर बैठ गया ये निंदा जाहिर करके। और इसके ठीक बाद यहाँ पर रूस पहुँचता है, और रूस नॉर्थ कोरिया के साथ एक एग्रीमेंट साइन कर लेता है, और ये एग्रीमेंट होता है कि हम एक दूसरे का साथ देंगे अगर कोई तीसरी दुनिया, तीसरा देश हम पर हमला करता है तो। अब एग्रीमेंट तो साइन हो गया, इस एग्रीमेंट से चाइना ने दूरी बना ली। चाइना अब तक रूस से नो लिमिट दोस्ती कहता है, लेकिन चाइना ने यहाँ पर अभी तक कुछ भी नहीं ऐसा साइन किया है कि तुम्हारे युद्ध में हम साथ देंगे, हमारे युद्ध में तुम साथ देना। पर रूस ने नॉर्थ कोरिया के साथ साइन कर लिया, और नॉर्थ कोरिया भी खुशी खुशी तैयार हो गया। वैसे आपको बता दूं, ये जो चीज है, ये चीज चाइना को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। हालांकि अमेरिका इसे अलग तरीके से देखता है। अमेरिका देखता है कि चाइना, ईरान, नॉर्थ कोरिया सब एक जगह आ रहे हैं, लेकिन सच ये है कि रूस और नॉर्थ कोरिया बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। रूस और नॉर्थ कोरिया के साथ आने का मतलब चाइना के लिए भी एक बहुत बड़ा टेंशन है। और टेंशन क्यों है चाइना के लिए, तो आपको बता दूं, इसका नज़ारा आप ऐसे देखिए कि सबसे पहले तो नॉर्थ कोरिया ने अपनी सैटेलाइट ब्रॉडकास्ट जो होती है उनके यहाँ टीवी वगैरह पर, वो उन्होंने सैटेलाइट पहले चाइना का ये इस्तेमाल करते थे, चेंज करके इन्होंने रूस का कर लिया। हालांकि अभी भी इन्हें काफ़ी दिक्कत हो रही है, अपने धरातल पर 5G है जो चाइना का बिछाया हुआ है, और आसमान में सैटेलाइट है रूस का, दोनों इस वक्त मैच नहीं कर पा रहे हैं। अब रूस की मदद लेगा नॉर्थ कोरिया कि यहाँ चीजों को सुधारा जाए। चाइना का गुस्सा यहाँ पर किस तरीके से भड़क रहा है, वो आप ऐसे देख सकते हैं कि चाइना ने यहाँ व्यापार करना कम कर दिया है, और ये उत्तर कोरिया के लिए एक सबसे बड़ा टेंशन है। इसलिए सबसे बड़ा टेंशन है कि चाइना उसका एकमात्र व्यापार करने वाला साझेदार रहा है। अब यहाँ पर टेंशन शुरू होता है। अब रूस ऐसे हालात में है नहीं कि बहुत ज़्यादा व्यापार कर सके, और चाइना यहाँ पर अब कहा जा रहा है कि धीरे धीरे ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि देखो, तुम मुझसे दूर जाकर रूस के साथ जा रहे हो तो इसका क्या परिणाम होगा। वैसे आपको बता दूं, रूस से नॉर्थ कोरिया को लिंक भी है, रेलवे लिंक भी है, ये भी चाहे तो व्यापार कर सकते हैं, फ्रेंडशिप ब्रिज है, सब कुछ है, लेकिन दिक्कत ये है कि इस वक्त रूस युद्ध में फंसा हुआ है। पर नॉर्थ कोरिया के रूस के साथ आने से सबसे ज्यादा क्यों चिढ़ा है, इसके पीछे कारण है। कारण ये है कि चाइना की नज़र रूस के उस जगह पे है जो जगह बहुत महत्वपूर्ण है, और वो है आर्कटिक क्षेत्र। आर्कटिक क्षेत्र में चाइना चाहता है कि रूस के हाथों से जमीन निकाल ली जाए, और इसमें नॉर्थ कोरिया उसके लिए
बाधा बन सकता है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत और चाइना के बीच में आखिर क्या चल रहा है, अचानक से चाइना के अच्छे अच्छे बोल कैसे निकल कर आ रहे हैं सामने। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं आप, ग्लोबल टाइम्स का आर्टिकल है। अब इसमें डोंग फेंग और बी मिंग्यांग इन्होंने एक आर्टिकल लिखा है और इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि देखिए भारत और चाइना के बीच में ना कॉमन हिस्ट्री है, शेयर्ड फ्यूचर है। चाइनीज इंडियन स्कॉलर्स कहते हैं कि दोनों को एक दूसरे से सांस्कृतिक तौर पर बंध जाना चाहिए। इनका कहना है शुगर से लेकर पेपर तक, कॉटन से लेकर सिल्क तक, टी से लेकर बुद्धिज्म तक, चाइना और भारत इनके बीच में काफ़ी फ्रेंडली एक्सचेंजेस रहे हैं और ये चाइना और भारत को आगे भी बनाकर रखना चाहिए। चाइना में जो भारत के पूर्व राजदूत रहे हैं उन्होंने भी ऐसा ही कहना शुरू किया है और माना जा रहा है कि हिंदी चीनी इंडिकेट्स दैट शुगर वाज इंट्रोड्यूस्ड टू इंडिया फ्रॉम चाइना। शुगर को चाइना, शुगर यानी कि चीनी भारत में आया था तो इसे चाइना के ही लोग लेकर आए थे, चाइना से ही ये पहुंचा था। कल्चरल तौर पर, सांस्कृतिक तौर पर एक दूसरे के साथ लेन देन होनी चाहिए, एक दूसरे के साथ आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि अब ये सारे बोल क्यों नजर आ रहे हैं, भारत के धर्मशाला स्थित निर्वासित तिब्बतीय सरकार का केंद्रीय तिब्बत का प्रशासन एक नया नक्शा तैयार करने की योजना बना रहा है। निर्वासित तिब्बती सरकार बीते कुछ समय में चीन की ओर से लगातार नाम बदलने की रणनीति का मुकाबला करने के लिए नक्शा तैयार करना चाहती है। चीन ने तिब्बत में प्रमुख स्थानों के नाम बदले हैं। चीन की कोशिश धीरे धीरे तिब्बत के पहचान को खत्म कर देने की है। निर्वासित तिब्बती प्रशासन की कोशिश है कि चीन को उसके इस मकसद में कामयाब होने से रोका जाए। टीओआई की रिपोर्ट के मुताबिक चीनी पक्ष को लगातार लगता है कि नए नामों के इस्तेमाल से लोग पुराने तिब्बत को भूल जाएंगे। निर्वासित तिब्बती सरकार ने चीन की इस रणनीति का समाधान खोज लिया है। निर्वासित तिब्बती सरकार का केंद्रीय तिब्बती प्रशासन चीन की आक्रामकता का मुकाबला करने के लिए ऐतिहासिक अभिलेखों के आधार पर तिब्बती नामों के साथ तिब्बत का नक्शा तैयार करेगा। तिब्बती कार्यकर्ताओं ने प्रशासन भी इस रणनीति की जमकर सराहना की है। निर्वासित तिब्बती सरकार के केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के अध्यक्ष पेम्पा सेरिंग सिक्योंग ने कहा है कि हम तिब्बती नामों के साथ एक नक्शा तैयार करने की तैयारी कर रहे हैं, यह अभी शुरू होना बाकी है, यह अभी हमारे ड्रॉइंग रूम में है, इसे तैयार करने में 6 महीने से 1 साल लग सकता है। तिब्बती युवा कांग्रेस के अध्यक्ष गोम्पू धोनुम ने इस मुद्दे पर कहा कि बीते कई सालों से चीनी सरकार अपने दुष्प्रचार से वैश्विक समुदाय को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रही है। चीनी सरकार ने लगातार इतिहास के गलत व्याख्या की कोशिश की है, वे अपने दुष्प्रचार से वैश्विक समुदाय में भी भ्रम बनाना चाहते हैं। यह हमारे लिए चीनी दुष्प्रचार का मुकाबला करने, सच्चाई और न्याय के लिए लड़ने का सही समय है। धोंडुप ने कहा है कि केंद्रीय तिब्बती प्रशासन चीन के निराधार दावे और सभी हिमालयी सीमाओं से विभिन्न स्थानों और क्षेत्रों का नाम बदलने की उसकी आक्रामक रणनीति का मुकाबला करने के लिए एक नया नक्शा लाएगा। अब यहाँ तिब्बत में जैसे जैसे सुर बदल रहे हैं वैसे वैसे चाइना के भी सुर बदल रहे हैं भारत के लिए। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।